इस रैली के उत्साह के माध्यम से पहुंच सके इस दिन से हम सब आज इस रैली में सहभाग करने के लिए काशी की धरती पर यहां पर आए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, लौर अमीर, जय श्री राम, चौराहा सिंगरात तिलक मूर्ति, भारत माता की, भारत माता मंदिर और कचहरी तक यह यात्रा जाएगी। और इसलिए आप सबसे मेरी अपील होगी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक कैडर बेस संगठन से जुड़ा हुआ, पार्टी के मूल्यों, आदर्शों और उन निश्चित सिद्धांतों पर विश्वास करने वाला होता है जो इस देश की लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती प्रदान करने के साथ साथ शासन की कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक अनुशासित तरीके से पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। और इसीलिए मेरी आप सबसे अपील होगी कि हमारे पास मोदी जी के नेतृत्व की केंद्र सरकार की 4.5 वर्षों की उपलब्धियों की एक लंबी श्रृंखला है और विकास के पायदान पर काशी के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अभी पिछले 2 विजिट के दौरान लगभग 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण विकास की दृष्टि से काशी के अंदर हुआ है। काशी की सड़कों का 4 लेन से 6 लेन, 2 लेन से 4 लेन, सिंगल लेन से डबल लेन के मार्गों के निर्माण का हो या फिर IPDS के अंतर्गत लटके हुए झूलते हुए बिजली के तारों को अंडरग्राउंड केबलिंग के माध्यम से सुरक्षित रूप से प्रत्येक परिवार को विद्युत की सुरक्षित आपूर्ति करने से संबंधित रहा हो या फिर काशी की पहचान, काशी के घाटों के सुंदरीकरण का और उन्हें सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से काशी की पहचान के रूप में प्रस्तुत करने का रहा हो या फिर काशी के अंदर विकास की उन नई योजनाओं को लेकर के ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर हो या फिर BHU के अंदर वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना, अभी हाल ही में देश का पहला जलमार्ग काशी से हल्दिया के बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पित किया है। ऐसे अनेक योजनाएं आज काशी को जोड़ने के लिए और काशी के माध्यम से देश और दुनिया तक पहुंचाने के लिए, जहां विकास की ढेर सारी योजनाएं काशी के माध्यम से देश और दुनिया में पहुंच रही हैं, वहीं साथ ही साथ लोक कल्याणकारी योजनाओं में जनधन की योजना हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, प्रधानमंत्री स्टार्टअप और स्टैंडअप की योजनाएं हैं, जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा योजना और भी अनेक ऐसी योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रत्येक परिवार के पास अपना व्यक्तिगत शौचालय हो, इसको ध्यान में रख करके जो योजनाएं बनाई गई हैं
इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा की गारंटी की बात हो या फिर खाद्यान्न योजना के अंतर्गत प्रदेश में हमारी सरकार 3.5 करोड़ परिवारों को राशन कार्ड वितरण का कार्य वर्तमान में कर रही है। और इसीलिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि विकास की इतनी योजनाएं, लोक कल्याण की इतनी योजनाएं, अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण की योजनाएं हो, पिछड़ी जाति के कल्याण की योजनाएं हो, महिलाओं के कल्याण की योजनाएं हो, दिव्यांगों के कल्याण की योजनाएं हो, समाज के प्रत्येक तबके से जुड़ी हुई योजनाएं हो, इन ढेर सारी विकास की योजनाओं ने विकास के क्षेत्र में देश के सामने और दुनिया के सामने मील का पत्थर बनने का कार्य किया है। और इसलिए इन योजनाओं को अनुशासित तरीके से आम जन तक पहुंचाना हमारा नैतिक दायित्व है और राष्ट्रीय कर्तव्य भी, क्योंकि आम जन जितना जागरूक होगा अपने अधिकारों के लिए उतना ही वह भ्रष्टाचार से मुक्त हो पाएगा, लीकेज उतने ही समाप्त हो पाएंगे। और इस दृष्टि से आज प्रदेश के अंदर और देश के अंदर एक नया वातावरण बना है विश्वास का, विकास का, सुशासन का। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनाया विश्वास और विकास सुशासन का यह वातावरण आम जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। और इससे कमल संदेश यात्रा का आज का आयोजन एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। मेरी आप सबसे अपील होगी, मैं जानता हूं आप में से ज्यादातर कार्यकर्ता अपना हेलमेट लेकर के आए होंगे, और इसलिए यात्रा में अनुशासित तरीके से पार्टी के कमल निशान के ध्वज को लेकर के हम लोग आपस में धक्का मुक्की नहीं करेंगे। याद करना, धक्का मुक्की न हो, बड़ी शालीनता के साथ पार्टी के द्वारा जो स्लोगन दिए गए हैं उन स्लोगन को बोलते हुए निर्धारित मार्ग से ही हम जाकर के और कचहरी में हमारा एक कार्यक्रम विराम देगा। इस विश्वास के साथ आज की इस रैली के अवसर पर मैं एक बार पुनः आप सबसे कहूंगा कि आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में उनके सानिध्य में आप सबको कार्य करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आप सभी इस यात्रा में सहभागी बनने के लिए आए हैं, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। और इस यात्रा के लिए जो भी आवश्यक आगे की कार्य योजना है इसके लिए संचालक महोदय से कहूंगा कि वह आगे की कार्य योजना यहां पर तैयार करके साइन अप करें और इस यात्रा को हम फिर यहां से शुभारंभ करेंगे। आप सबके प्रति और इस पूरे आयोजन के प्रति आयोजकों को हृदय से साधुवाद देते हुए आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं का हृदय से मैं अभिनंदन एक बार पुनः करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।
हमारे साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी हैं। दिनेश शर्मा जी, 80 की 80 लोकसभा सीटें, आज आप लखनऊ में रैली का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, क्या संदेश है? पूरे प्रदेश में कमल संदेश यात्रा निकली है और पूरे प्रदेश में ये संदेश है कि बीजेपी का कार्यकर्ता अपने